हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। फर्स्ट टाइम जो मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ऑन करके रखिए, तभी हमारे जो नोटिफिकेशन है वीडियो के सबसे पहले आपको मिल पाएंगे। साथ में टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि पल पल की जो अपडेट्स हैं वो आपको वहां पर मिलती रहती हैं। तो सैटरडे और संडे जबरदस्त बूम बूम हुआ, जिस तरीके की जो स्क्रिप्ट मैंने बोली थी उसी तरीके के सारे मैचेस हुए, और जो सेकंड मैच था ना, जिस तरीके से उड़ा है 3-4 पैसे के, वाह क्या कहने, इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि मुंबई इंडियन स्टार्टिंग के 3 मैच जिस तरीके से लूज किए, चौथा विन किया और पांचवा फिर वही 3-4 पैसे आके मैच को लूज कर दिया वहां से, लेकिन अच्छा खासा कमाया सभी ने। तो जिस तरीके से मैंने आपको पहले से ही एडवांस में बोला था, सबसे पहले कल के मैच की बात कर लेता हूँ। कल है दिल्ली डेविल्स पंजाब के बीच में मैच होगा, अच्छा मैच है, जबरदस्त मैच होगा, ओपन पोस्ट आएगा, है ना, ओपन पोस्ट आएगा। तो फ्री ब्रॉडकास्ट नंबर अभी मैं बता दूंगा सभी को कैसे क्या फॉलो करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सैटरडे संडे की। तो कोलकाता नाइट राइडर किंग्स 11 पंजाब, 4 दिन पहले से बोल दिया था जैकपॉट मैच होगा, जैकपॉट हुआ। आरसीबी वर्सेस दिल्ली बोला था वन साइडेड मैच हुआ, तो बस विंस वन साइडेड 90-95 या फिर 90-85 पैसे, आई थिंक एक बार डीडी फेवरेट आया होगा, उसके बाद से आरसीबी वन साइडेड। 22 तारीख को 4 दिन पहले ही एडवांस बोल दिया था फुली जैकपॉट मैच होगा, चेन्नई देखो 38-40 पैसे से मैच विन किया। ठीक है, उसके बाद राजस्थान रॉयल मुंबई इंडियंस, इस मैच में मैंने बोला था मतलब कि ये मैच आपको खाने की एंट्री मिल सकती है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया था कि 28-30 पैसे भी मिल जाएगा। तो 28-30 पैसे से मैंने ये मैच आपको डीपी पे ओपन पोस्ट दे दिया था। हालांकि पहला मैच तो मैंने आपको ओपन पोस्ट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी 90-95 का जब मैंने आपको जब डीपी लगाई थी चेन्नई सुपर किंग वाली विनिंग की टेलीग्राम पर या वहाँ पर जो मैंने आपको अपडेट दी थी, क्योंकि टीम हम बुक सेट करा चुके थे अपनी, तो वहाँ से भी आपको एक बार बोथ रेट मिल गया था, उसके बाद दोबारा चेन्नई ने ये मैच विन किया था। तो जिसने भी अगर डीपी देखी होगी तो अपना जो प्लस कर ही लिया होगा, या माइनस अगर हो रहा हो अगर सनराइज हैदराबाद पर तो वो कवर कर लिया होगा सभी ने। और मुंबई इंडियंस जो विन थी, जो मैंने ओपन पोस्ट दिया था, तो वो भी हमारा 3-4 पैसे टीम लग के गई, 28-30 पैसे हैदराबाद वो राजस्थान रॉयल से 3-4 पैसे मुंबई इंडियंस। देखिए दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कमाने का तरीका यही होता है। अब आप सोचोगे 3-4 पैसे से अगर राजस्थान रॉयल वहाँ से विन होता था, और अगर कोई ऐसा गॉड होता, कोई प्रिडिक्ट करता और आपको ये बोल देता कि 3-4 पैसे टीम है अनलिमिटेड विन कर लो, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है ना, तो मैं खुदा हूँ और ना मेरे ऊपर खुदा से कोई अपडेट है ना। सबसे पहले टीम हमारी 3-4 पैसे लगी तो हमारी टीम पास है, चाहे वो बोथ से सबसे पहले तो अच्छा रेट मिल ही गया था 95-96 या राजस्थान रॉयल 80-85 फेवरेट थी, वहाँ से 28-30 पैसे लग के गई मुंबई। 28-30 पैसे जिसने हैदराबाद जो राजस्थान रॉयल पे थे, तो 28-30 पैसे से उधर आपको 28-30 पैसे हैदराबाद मिल गई, तो राजस्थान रॉयल सॉरी, तो राजस्थान रॉयल पे सभी लोग प्लस कर लिया, फिर 28-30 राजस्थान रॉयल से मुंबई इंडियन 3-4 पैसे लग गई। तो दोस्त टीम कोई भी हो, किसी को लॉस नहीं हुआ। और मैं तो हमेशा ओपन पोस्ट में जो डीपी आपने अगर देखा होगा उसमें क्लियर लिखा रहता है बुक सेट 20 पैसे, क्योंकि 20 पैसे ही मैं बुक सेट अपने डीपी पर लिखता हूँ। तो डीपी का प्रोसेस आप सभी को पता है, हमारा जो फ्री ब्रॉडकास्ट नंबर है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, या वेबसाइट पर भी ओपन पोस्ट दे दिया था, हालांकि मैंने ये रहा मुंबई इंडियंस बुक सेट 20 पैसे। तो ठीक है, तो फ्री ब्रॉडकास्ट नंबर है +91807050813, +91703744279। तो आधे आधे बंदे दोनों नंबर को सेव कीजिए। सेव करने के बाद सबसे पहले सेव कर लेना दोस्तों, सेव करने के बाद ही आपको इस नंबर पर अपना नाम और लिमिट लिख के सेंड करना है। ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने हाई हेलो कर दिया और तुरंत आप ब्रॉडकास्ट में ऐड हो जाएंगे, तो हो सकता है कि आपको अगर आपने सुबह दोपहर में पहुंचा शाम तक ऐड किया जाए, हो सकता है कभी कभी नेक्स्ट डे भी लग जाता है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ऐड होंगे तो ब्रॉडकास्ट के एसएमएस अपने आप आना स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं अगर आप ऐड हो पा रहे हैं सिंगल डे में, तो आपको बस हमारे व्हाट्सएप की डीपी और स्टेटस चेक करना होगा। स्टेटस तभी चेक करेंगे जब आपका नंबर मेरे मोबाइल में भी सेव हो जाएगा, बाकी डीपी तो आप देखते रहेंगे। डीपी देखिए बस वहां पर जैसा लिखा है उसको फॉलो कीजिए, जो टीम मैंने दे दी एक बार में अगर आपने रेट पर लगा ली, 18-20 पैसे मिल गई, उसको बुक सेट कर लेना। उसके बाद दोस्त मुझे कोई भी ये मैसेज मत कर देना, आज ये मैंने देखे हैं काफी लोगों के मैसेज आए हुए हैं कि सर मैं हार गया। दोस्त लॉस पता है किसका होता है? लॉस होता है जो सिंगल बेट करता है, सिंगल बेट वालों को लॉस हो जाता है, लेकिन बुकी पे जो खेलते हैं उनको कभी लॉस नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखिएगा।
अब सिंगल बैट वालों को अगर दोस्त मैं बोलना चाहूँगा फिर से, अगर इतना ही अगर मैं प्रिडिक्टेबल होता या मेरे पास ऊपर नीचे की ऐसी कोई अपडेट होती, या मैं आपसे झूठ बोल के अगर ये चीज़ बोलूँ कि मेरे पास ऊपर से अपडेट आती है, ये आती है वो आती है, तो उसका कोई सेंस नहीं निकलता है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, आप सभी को पता है। ठीक है, मैंने आईपीएल में दो ही टीम ऐसी है, मुंबई इंडियंस और आरसीबी, जिसमें सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। तो इन टीमों को आप ध्यान रखना, इन टीमों को लो और रेट्स में हमेशा खा के चलो, भले ही लॉस हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आपको लो ऑड्स मिल जाए ना, लो रेट मिले, खा के चलिए इन सब टीमों को, कुछ ना कुछ प्रॉफिट देके जाएंगे या तो ऊपर आके, क्योंकि ये टीम ऐसी है डायरेक्ट विन नहीं हो सकती, डायरेक्ट खड़ी खड़ी विन नहीं हो सकती, क्योंकि इतना पैसा ही लग जाता है इन दोनों टीमों पर। तो वही हाल हो रहा है, लास्ट ईयर आपने देखा होगा आरसीबी जिस तरीके से फुली आपको लो बैक टू बैक मैचेस, सेम मुंबई इंडियंस का इस बार हाल है, 3 मैच लगातार लूज हुई, चौथा आरसीबी से विन हुई और पांचवा फिर से लूज कर गई 3-4 पैसे आके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कमाने को मिला किसी की भी टीम हो आज तो, जिसने भी मुंबई इंडियन भी ली होगी या जिसने राजस्थान रॉयल भी ली होगी, सबने अच्छा कमाया। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा बुक सेट के लिए। तो कल का मैच अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर दिल्ली डेविल्स किंग्स 11 पंजाब, बहुत अच्छा मैच होगा, अच्छे ऑड्स मिलेंगे आपको, खाने को मिलेंगी एंट्रियाँ, ध्यान रखिएगा। मुंबई इंडियंस सनराइज हैदराबाद, बहुत जबरदस्त मैच होने वाला है, मतलब ये तो बात करूंगा ना, जो शेर वर्सेस शेर, बेस्ट वर्सेस बेस्ट वाला जो मुकाबला है, इतना जबरदस्त मुकाबला होगा यहाँ पर। आरसीबी चेन्नई सुपर किंग और बेंगलुरु में मैच है, वाह भाई वाह, क्या कहने इस मैच के बारे में, मतलब ये बीच जो है ना बिल्कुल सुपर धमाकों से भरा हुआ है, चाहे वो आप फर्स्ट मैच ही ले लो, दिल्ली डेविल्स मुंबई इंडियंस सनराइज हैदराबाद, आरसीबी चेन्नई सुपर किंग, सनराइज हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाब, मतलब मजा आ जाएगा बात देख के मैच। उसके बाद जो मैच है वो आपका दिल्ली डेविल्स कोलकाता नाइट राइडर दिल्ली में है, जबरदस्त होगा। सुपर चेन्नई और मुंबई का फिर से मैच है पुणे में, यहाँ भी जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। ठीक है, राजस्थान रॉयल सनराइज है, मतलब यहाँ भी अभी किसी मैच में आप ये आशंका नहीं कर सकते हो कि वन साइडेड मैच हो जाएगा, मतलब हर ये वीक जो है ना, थर्ड सेशन जिसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, मैंने आपको एक चीज हमेशा बोली है, सेशन वाइज चले, 1 से 10 मैच अलग वो था उसका चलने का, उसके बाद 11 से 20 एक अलग तरीके से मैचेस हुए, अब 21 से 30 ये मैचेस जो होने वाले हैं, इनका जो होगा वे वो एक अलग ही होगा, इनका जो वे होगा वो अलग ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, मैच बहुत जबरदस्त होंगे, शानदार होंगे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस हमें फ्री ब्रॉडकास्ट नंबर पर अपना जो नाम और डिटेल सेंड करना है, आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेगी डीपी के साथ। जब भी मुझे पेड लेना होगा मैं आपको ऑलरेडी डीपी पर लगा दूंगा कि आज का मैच पेड है, और उसमें भी मैं आपको ये कंडीशंस नहीं रहने वाली हैं कि आपको कितना पेमेंट देना है, आपको अपनी मर्जी से पेमेंट करना है। बाकी हालांकि ये वाली पेड सर्विस चल रही है, पेड सर्विस के लिए आप सभी को बता रखा है कि अगर, हाँ एक चीज़ और रहता हूँ कि आपके पास क्या हो रहा है ना, संजय गोयल की तरफ से कुछ लोगों ने मेरे डीपी लगा के ब्रॉडकास्ट बना रखे हैं, 500 500 600 600 लोग ऐड हैं, आई थिंक हो सकता है किसी के 800 900 1000 मिनट तक देखे हैं लोग ऐड हैं, कुछ नंबर भी अलग है, आपके पास कॉल भी करते हैं कि संजय गोयल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से आपके पास कोई भी कॉल आएगा, पहली बात तो मैं कॉल कर ही नहीं पा रहा हूँ आपको, हकीकत बताऊँ तो, अगर गलती से अगर मैंने फ़ोन आपको किया भी तो वो मेरा नंबर होगा 8923458125, 8923458125, 8923458125। दूसरी बात, आपके पास किसी अदर नंबर से कोई भी कॉल ऐसा आता है कि संजय गोयल का नंबर है, आप कॉल करते हैं, दूसरे दोस्त अब बता देता हूँ, अभी जो इस समय से मार्केट का जो रस चल रहा है ना, रस की वजह से मैं 5% कॉल भी पिक नहीं कर पा रहा हूँ आपको, रियली बताऊं, और आपको भी पता होगा आप मुझे कॉल लगा रहे हैं तो मेरी पिकिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि इतना कॉल, सबसे मेन चीज़ क्या है ना, हर तरह के कॉलेज आपके पेड सर्विस के लिए भी कॉल आ रही है, और आपके जो फ्री डेमो वाले भी जो है ना, मैंने बोल रखा है बस व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें, लेकिन नहीं, वो भी इतने कॉल करके परेशान कर देते हैं, तो मतलब हर चीज़ ऐसे चल रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि सबसे मैं कॉलिंग पे बात कर सकूँ। ठीक है, तो वो आपको जो भी क्वायरी हो मुझे एक बार में व्हाट्सएप पे लिख के भेजिए, एक बार में जो भी है मैं उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा आपको, अगर आप सोचते हैं कि एक ही बंदा आपको दिन में 5 6 बार में उसको रिप्लाई करूं, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो वीकली पैकेज चल रहा है 12,000 रुपये का है, 3 मैचेस का चार्ज 5,000 रुपये है, ठीक है, 4 मैच का 6,000 रुपये और वीकली 12,000 रुपये, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। वीकली 9 मैचेस हैं, 12 मैच 12,000 का पैकेज है, जिसमें टीम ट्रेडिंग सेशन आपको प्रॉपर कराया जाएगा प्रॉपर एंट्री के साथ, और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, मेन चीज़ होती है एंट्री और बुक सेट, ठीक है, इसी से पैसा बनता है। अगर फॉर एग्जाम्पल पहले वाला ही मैच देख लो आप, जैसे कि है सनराइज हैदराबाद और चेन्नई के बीच में मैच था, चेन्नई लो ऑड्स में थी, वहां से किसी ने अगर बस यही अगर सोचा होगा कि नीचे से टीम खाई और बोथ तक गया और वहां ही कटवा दी चेन्नई को लेके, तो कोई भी टीम हो उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्लस चेन्नई पे ही होंगे,
तो मेन चीज होती है एंट्री। अब मैंने आज मुंबई इंडियंस वाले में आपको ऑलरेडी स्क्रिप्ट एक दे दी थी, आपको जो रेट अच्छा लगे, जैसा लगे, जो मन करे वो करना। मुंबई इंडियन आपको 20 पैसे मिलेगी, पहली बार 30 पैसे मिल के गई, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट था मेरा कि भैया आप लोगों ने बुक सेट नहीं करी होगी, लेकिन जब दोबारा आपको जब 28-30 पैसे आपको RR राजस्थान रॉयल फेवरेट मिली, वहां से अगेन हमारी टीम 3-4 पैसे लग रही है, तो दोस्त और क्या कर सकते हैं। अब मैं खुदा तो हूं नहीं आपको ऊपर से ये बोलूं वो बोलूं, फेक स्क्रीनशॉट डालूं, मैंने ग्रुप में कुछ और जिताई हो, फिर उनके पोस्ट डिलीट मारूं, फिर आपको स्क्रीनशॉट भेजूं, ऐसा काम नहीं है। आपने मेरे टेलीग्राम पे देखा होगा कि लाइक जुपिटर, लाइक सुखान जुपिटर और गीतांजलि, सुखान और गीतांजलि तो एक ही बंदे हैं, ठीक है, आपने देखा भी होगा वॉइस में। तो इन सब चीजों को साथ में आपको करना कुछ नहीं है, आप केवल किसी भी टिपर का नाम लिखो यहाँ पर यूट्यूब पर, कुछ नहीं करना आपको। आप एक काम कीजिए, ये देखिए यहाँ लिखिए आपको करना क्या है, तो लाइक आप गीतांजलि क्रिकेट प्रोडक्शन, बस इतना लिखना आप, ठीक है, गीतांजलि फ्रॉड है, जुपिटर क्रिकेट प्रोडक्शन, गीतांजलि क्रिकेट वो था फ्रॉड एक्सपोज वीडियो, है ना। मतलब बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर इनके बारे में ऐसे फ्रॉड फ्रॉड जो भी नाम है वो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। बहुत सारे वीडियोस होंगे यहाँ पर, मैंने भी कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आपने देखा हो। ये देखिए गीतांजलि क्रिकेट प्रोडक्शन फ्रॉड, गीतांजलि फेक, 3 दिन पहले आज ही एक बंदे का वीडियो देखा मैंने, उसमें भी वो क्लियरली यही चीजें बोल रहा था कि कैसे क्या है उसके अंदर। मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो मतलब कुछ भी, आज ही एक नोटिफिकेशन आया था मेरे पास, ये देखिए ऑल इन वन सुखान भाई गीतांजलि IPL एंड गीतांजलि क्रिकेट एक्सपोज गीतांजलि। तो क्या है ना, ये देखिए ये काम नहीं है मेरा कि एक ही, इसमें आपने देखा होगा ये सब क्या है ना, एक ही बंदा है, तीन तीन चैनल हैं, अलग अलग नाम से हैं, वॉइस एक है, लेकिन हर जगह आपको रिपोर्ट अलग अलग मिल रही है, यानी कहीं ना कहीं कोई बंदा किसी ना किसी तरीके से तो फंसे आके आपके पास। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ठीक है। अगर आप यहाँ देखो सुखान भाई, ये देखिए सुखान भाई फुली फेक विद प्रूफ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए सुखान भाई, सुखान भाई, सुखान भाई गीतांजलि, ये रहा देखिए। तो इसमें क्या है आप खुद देखिए, ये है एक्सपोज वीडियो, आप देख सकते हैं, है ना, जुपिटर जाए लाइक जुपिटर क्रिकेट प्रोडिक्शन, ये लो, मतलब चैनल तो बाद में है, सबसे पहले उनका एक्सपोज वीडियो है, जुपिटर क्रिकेट प्रोडिक्शन गीतांजलि बोतार एक्सपो, ये सब। तो ठीक है, इन सब लोगों को इस तरीके से बच के कोई मतलब नहीं है, मतलब जो मार्केट में जिस तरीके से लोगों को मतलब बोल कराया है, जो चीजें कराई है वही सामने है, कहीं बाहर से तो कोई चीज आई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिए, ऐसा तो कोई काम है नहीं अपना, आपको बोल के रखा हुआ है, जो भी काम है सामने है, 20 पैसे बुक सेट बोल के टीम दे रहा हूं तो दे रहा हूं, सामने अच्छा लगे तो खेलिए, और नहीं अच्छा लग रहा है तो दोस्त आपको जो अच्छा लगे वो देखिए। टेलीग्राम में आप, मैंने ऐसे ऐसे आपको वो दे रखे हैं वहां पर कि आप देख सकते हैं ना कि वहां पर कि आपको किस तरीके से जो वीडियोस हैं जो लोगों को मैंने दे रखी हैं टीम में, और वहां से दोनों जो परेशान होके, मतलब आपने देखा होगा टेलीग्राम में 100% की एक्यूरेसी आती है, जब भी स्क्रीनशॉट मिलेगा 100%, कभी कोई फेल का स्क्रीनशॉट नहीं आता होगा, 100% की एक्यूरेसी, क्यों हो ही नहीं सकती, कैसे हो सकती है आप बताओ मुझे। 3-4 पैसे से तो टीमें उड़ जाती हैं, वापस पलट जाती हैं, किसी की 100% एक्यूरेसी कैसे हो सकती है, एक चूते उड़ाने का काम है, ऐसे लोगों से बच के रहिए। यहाँ खुद का प्रोडिक्शन है, खुद का एनालिसिस है, आपको जो टीम भले ही मुंबई कितनी हैवी टीम हो, पैसा लग रहा हो, इसका मतलब वो टीम अगर मैं बोल रहा हूँ 18-20 पैसे मिलेगी, मतलब वहां आपको मिल जाएगी आके, जीते चाहे हारे वो एक अलग मैटर है। तो इसलिए मैं बोल देता हूँ कोई भी टीम हो उसके नीचे सबसे पहले क्लियरली लिख देता हूँ बुक सेट 20 पैसे, 18-20 पैसे आए बुक सेट कर लीजिए। फिर भी अगर आपको लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है तो आप 10-12 पैसे 20-18-20 पैसे में खा भी सकते हैं, आप रेट अच्छा ऊपर मिले, दूसरी टीम से तरफ टीम चला जाए, वो आपकी मर्जी है, आप जैसा चाहे वैसा करें, लेकिन प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ही होता है कि ये टीम यहाँ तक आएगी, मजबूरी है उसका आना, या वो जीतेगी तो जीतेगी। तो इन सब चीज़ों को बात याद रखिएगा, 3-4 पैसे में अगर आपको कोई अनलिमिटेड, जैसे कि लाइक आपने बहुत सारे टिपर देखे हैं रिपोर्ट फेल पे हो, लेकिन आज उनके राजस्थान रॉयल सेकंड बैटिंग बैठे बैठे हो गए, लेकिन 3-4 पैसे में उनकी टीम भी, क्या उनसे बस ये एक बात पूछ लेना कि
जब 28-30 पैसे पे, तो 162 करवा दी होगी उन्होंने सबसे पहले, ठीक है। दूसरी चीज ये थी कि 3-4 पैसे जब आई थी, तो क्या उन्होंने 3-4 पैसे में आपको एंट्री दी? एक भी मैच में अगर आपको एंट्री दी हो 3-4 पैसे में, अनलिमिटेड खाओ वहां से, आपको हैदराबाद जीतेगी, तो आप मुझे बताओ कि हाँ आपके टिपन ने अगर ऐसी एंट्री दी हो, अगर किसी टिपन ने आपको ऐसी एंट्री दी है, वो भी तब जब आपकी 100% लिमिट यूज नहीं हो मार्केट उसमें, जब बुक सेट ना कराई हो, तो ठीक है, तो समझ में आता है, अरे वाह मतलब मजा आ गया। लेकिन दोस्त ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। अगर ऐसा किसी को प्रेडिक्ट हो, तो वो खुद ही ना अपना 200-300-400 पैसे में, मतलब किस तरीके का ये कर ले वो कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ये सब चीज का ध्यान रखिएगा। 18-20 पैसे, 10-15-20 पैसे टीम लग जाती है, बुक सेट कर लो, एंजॉय करो, और बिल्कुल फ्री होके गेम खेलिए, ठीक है। तो आप आगे के मैचेस जो है ना, वो नंबर मैंने आपको बता दिए, जिसको पेड मेंबरशिप चाहिए, ठीक है, कब एंट्री लेनी है, कैसे ये करना है, सारी चीजें मिलेंगी। चारों मैचेस बहुत जबरदस्त हुए हैं, ठीक है, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आगे के मैचेस भी इसी करके चलते रहेंगे, प्रॉपर एंट्री के साथ, कब कैसे लगाना है, खाना है, क्या करना है। और जो भी मेरे बंदे ओपन पोस्ट को फॉलो करें, जो बुकी पे खेलते हैं, 18-20 पैसे आते ही टीम को बुक से जरूर कर लिया गई थी। लो ऑड्स एक ऐसी रेट है, आप अब अगर आप 10 मैच में से 10वां मैच को खा के चलेंगे 10 पैसे 15 पैसे में, जिसमें से आधे मैच आपको ऊपर रेट दे के चले ही जाते हैं आज के मैच, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का बात याद रखिएगा, बाकी आपको पता है बस, IPLT20prediction.com ऑफिशियल वेबसाइट है, फॉलो कीजिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके रखिए, फेसबुक पेज लिंक वगैरह सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है, उसको भी फॉलो और लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा। चलिए, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों।